नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ वैदिक ज्योतिष धर्म पर्व त्यौहार भारतीय संस्कृति से जुड़ी रचनात्मक धार्मिक ज्योतिषीय गतिविधियों के बारे में बात करता रहता हूँ। राशि, नक्षत्र, ग्रहों का विचरण, ग्रहण इत्यादि सभी विषयों पर बात करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय, वार्षिक घटना, वार्षिक विषय पर बात करने जा रहा हूँ। वो ये है, हम सबका वार्षिक भविष्यफल वर्ष 2019 के लिए। वर्ष 2019 के लिए मेष से लेकर मीन तक जो वारे लग रहे हैं, सभी का भविष्यफल मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं आपके साथ सिंह लगन के ऊपर वर्ष 2019 का क्या प्रभाव होगा, कैसा सिंह लगन का भाग्य होगा, इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। परंतु क्या आपका सिंह लगन में जन्म है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, ये सारी सूचना किसी भी ज्योतिष के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में फीड करें। उसके उपरांत स्क्रीन के ऊपर यदि इस प्रकार का चित्र आता है, जिसमें बीच के ऊपर के जो तीन खाने हैं उनमें मध्यम का खाना जो है उसमें यदि पांच नंबर लिखा हुआ है तो समझिए आपका सिंह लगन है। पांच नंबर लिखा हुआ इसमें असेंडेंट अथवा अंग्रेजी में असेंडेंट या लगन भी छपा हुआ हो सकता है। तो पांचवा आपका लगन है, सिंह लगन है। परंतु यदि आपको अपनी जन्म की सूचना नहीं है, तारीख नहीं है, डिटेल्स नहीं है, परंतु नाम का अक्षर मालूम है, तो भी ये समझिए कि आप सिंह लगन जैसे प्रभाव आप पे आ सकते हैं। नाम के अक्षर क्या हैं, वो इस प्रकार है, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये नाम के अक्षर हैं। तो रत्नों का उपयोग छोड़ के बाकी सभी कुछ जो है, आप इसको सुनकर, आप इसको समझकर, आप उसके अनुसार जो अपने निर्णय ले सकते हैं। सिंह लगन के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य, आयु को पूरे वर्ष सुरक्षा रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, किसी गंभीर बीमारी का शिकार ना हो, पूरा वर्ष आपको ईश्वर आयु की सुरक्षा दे दे, और क्या चाहिए। पूरे वर्ष आयु की सुरक्षा रहेगी, परंतु कुछ समय ऐसे हैं, कुछ वक्त ऐसा है जिसमें स्वास्थ्य रखने हेतु विशेष सावधानी भी रखनी होगी। 15 फरवरी से 15 मार्च ज्वर, पेट, नेत्र की समस्या। परंतु 15 फरवरी से 27 फरवरी के बीच का जो समय है, कुछ 15 फरवरी से 27 फरवरी यानी 15 फरवरी से 15 मार्च तो है ज्वर, पेट इत्यादि, नेत्र की समस्या, परंतु इसमें जो 12 दिन का समय है 15 फरवरी से 27 फरवरी, इसमें चोट, दुर्घटना, अग्नि से रक्षा आवश्यक होगी। 16 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य, 15 जून से 16 अगस्त के मध्य, इस मध्य रक्तचाप, यदि आपकी आयु भी 48 या 55 वर्ष से ऊपर है विशेष करके, या परिवार में अनुवांशिक रूप से रक्तचाप की समस्या है, जेनेटिकल रक्तचाप की समस्या है, हृदय की समस्या है, या आप रक्तचाप या हृदय रोग की हैं और 48 वर्ष से ज़्यादा की आयु के व्यक्ति हैं, तो इस समय में समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी जो मैंने बोली है। जनवरी 6 और 21 के ग्रहण तथा 2 और 16 जुलाई के ग्रहण और 26 दिसंबर के ग्रहणों के आसपास सावधानी रखनी होगी। याद रखें, कर्क और सिंह लगन दोनों ही जो है ग्रहणों से अत्यधिक घातक रूप से कई बार प्रभावित हो जाते हैं यदि दशाएं खराब चल रही हो। तो जनवरी 6 और 21, 2 और 16 जुलाई और 26 दिसंबर के ग्रहण के आसपास सावधानी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा की रखनी होगी। इसके उपरांत 19 जुलाई से 29 सितंबर शुक्र की स्थिति खराब होने से कंधे, मधुमेह, घुटनों यानी लेफ्ट नी, राइट शोल्डर, आँखें,
और यदि पुरुष हों तो प्रोस्टेट गुर्दे यानी किडनी और अत्यधिक कमजोरी महसूस होते रहना, विटामिन डी की कमी आ जाना, इसका ध्यान रखना होगा। एक लंबा समय है 11 जुलाई से 23 अक्टूबर, इसी के बीच में 19 जुलाई से 29 सितंबर की मैंने बात की थी, परंतु ब्रॉडर पीरियड है 11 जुलाई से 23 अक्टूबर। इसमें मंगल की स्थिति काफ़ी ख़राब है। सिंह लगन में यदि ये स्थिति आ जाती है तो हृदय के प्रति सावधानी रखनी होती है। एसिडिटी यानी बहुत ज़्यादा बाइल का बनना, लीवर की समस्या, यदि ड्रिंक इत्यादि करते रहते हैं तो पीलिया या हेपेटाइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ना, यूरिन से जुड़ी समस्या, पाइल्स से जुड़ी समस्या, पेट और हर्निया से जुड़ी समस्या, दाई आँख के से जुड़ा थोड़ा सा परेशानी, टाइफाइड, माइग्रेन या सरदर्द जो बीपी से भी जुड़ा हो सकता है, विटामिन डी और ए की अचानक भारी कमी होना, कैल्शियम की कमी के कारण पीठ में दर्द होना, दाएं पैर में दर्द होना विशेष रूप से, ये ध्यान आपको रखना होगा। 48 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जातकों को वजन बढ़ने और प्रौढ़ता के लक्षण तेजी से सामने आएंगे। 3 नवंबर से 31 दिसंबर का जो पीरियड है, 3 नवंबर को बृहस्पति राशि बदलेंगे, धनु राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में, तब से लेकर 31 दिसंबर तक पेट थोड़ी बी कम्प्लेक्स की ऊंच नीच, साइकिक यानी मनोचिकित्सक और न्यूरो और लोअर बैक की समस्या आपको परेशानी दे सकती है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य सरदर्द, हृदय, न्यूरो, मेनिंजाइटिस रोगों के प्रति सावधानी रखनी होगी। यदि 48 वर्ष से अधिक की आयु के आप जातक हैं या जेनेटिकल समस्या आपकी फैमिली में ये हो सकती है, परंतु याद रखिए ये जो मैं समस्याएं मैंने आपको बोली है, 60 सती होने पे, शनि की महादशा चलने पर, नीच मंगल, नीच सूर्य, नीच शनि अथवा नीच केतु के दशाएं चलने पर, 60 सती चलने पर इनकी संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगला विषय है धन और अर्थव्यवस्था, आपकी आर्थिक स्थिति। इसमें आयात निर्यात रुके धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रसन्न होंगे आप इससे, सेविंग्स आपकी ज़्यादा रहेंगी, लॉसेस कम होंगे, पैतृक स्रोतों से लाभ होगा आपको, जवाहरात, भूमि, कोर्ट से यानी न्याय से, कानून से, इंश्योरेंस से, सरकार से, संपत्ति की बिकवाली से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। 8 जनवरी से 21 मार्च, 9 मई से 1 जून, 13 जुलाई से 29 जुलाई तथा 20 अगस्त से 20 सितंबर तक आमद में थोड़ी सी कमी हो सकती है, यानी कि आपका रिवेन्यू थोड़ा कम है, प्रॉफिट उसके प्रोपोर्शन में थोड़ा कम हो सकता है, आमद में कमी हो सकती है, लाभ के प्रतिशत में इसी कारण थोड़ी कमी हो सकती है। 6 जनवरी और 21 जनवरी के ग्रहण के कारण 6 से 21 जनवरी तथा 2 और 16 जुलाई के जो ग्रहण हैं और 26 दिसंबर के ग्रहणों से आपको आर्थिक स्थिरता देखने मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जो सिंह लगन का सूर्य है ग्रहणों से प्रभावित होता, तो आर्थिक स्थिरता ये कर सकते हैं, विशेष रूप से किराए को लेके, संपत्ति को लेके या शेयर मार्केट से जुड़े हैं जुए सट्टे में ये हो सकता है। 19 जुलाई से 29 सितंबर में इस समय में शुक्रास्त है, शुक्र काफ़ी ख़राब है, नौकरी में हानि व धन की कमी इसी कारण होना, और 11 जुलाई से 23 अक्टूबर के समय में एक तो नौकरी का क्षेत्र है, दूसरा है आपका व्यापार का, 11 जुलाई से 23 अक्टूबर में व्यापार से जुड़े हानि के योग हैं। मंगल इस समय काफ़ी ख़राब है, 11 जुलाई से 23 अक्टूबर मंगल खराब है, बीच में 19 जुलाई से 29 सितंबर शुक्र भी खराब है, दोनों ग्रहों के खराब होने से व्यापार में यदि आप हैं तो हानि के योग बनते हैं। अग्नि से, चोरी से, दुर्घटना से, डिमांड कम होने से, आपकी टर्नओवर कम होने से, फ्रॉड होने से या
सरकार द्वारा कोई पेनल्टी लग जाए उस कारण। अगला विषय है नौकरी तथा व्यापार। सिंह लग्न, लग्नों सभी ग्रहों के राजा है सूर्य, तो सिंह लग्न राजस्व स्वभाव देने वाला ग्रह है। राजनीति, उच्च सरकारी नौकरी, बैंक की ऊंची नौकरी, पीएसयूज में ऊंची नौकरी तथा पंचायत से लेकर उच्चतम स्तर की राजनीति, सत्ता और सत्ता से जुड़े पदों, इन सबसे जुड़ा हुआ है। कुछ महा विपरीत तथा कुछ महा में यदि आप व्यापार में, तो तनावपूर्ण समय हो सकता है। यानी नौकरी से लेके इलेक्टेड पोजीशंस जो आपकी हैं उनमें तनाव हो सकता है और व्यापार में भी तनाव हो सकता है। कुछ माह ऐसे होंगे जिनमें ये होगा। नौकरी, राजनीति अथवा उच्चतम पद पर जनवरी से लेकर 3 नवंबर तक समय ब्रॉडली शुभ रहेगा, परंतु 15 मार्च से 15 अप्रैल सूर्य जब मीन राशि में होगा, 16 जुलाई से 16 अगस्त सूर्य जब कर्क राशि के में होंगे, 1 से 16 जनवरी का जो पीरियड है, जो इस समय सूर्य शनि की युति होगी, ये बाद में बोल दिया मैंने, तो समय क्या है जो आपके वो हैं 15 मार्च से 16 जनवरी, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 16 जुलाई से 16 अगस्त। सत्ता में होने पे स्थिरता, सत्ता नौकरी में स्थिरता, पदोन्नति हेतु समय निर्बल हो सकता है। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य उच्च अधिकारियों के कोप भाजन आप हो सकते हैं। सरकारी विभागों द्वारा अशुभ परिणाम देने वाला समय हो सकता है। व्यापार में यदि आप कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, लोहा, सीमेंट, होटल, टूरिज्म, चिकित्सा क्षेत्र, थोक अनाज, गेहूं, गोल्ड, ब्रास, कॉपर, चाय, कॉफ़ी, किचन गुड्स, किचन से जुड़ा सामान, किशमिश, मसालों के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 1 से 19 जुलाई, 11 जुलाई से 23 अक्टूबर के मध्य तनाव एवं हानि का हानिकारक समय हो सकता है। यदि आपको साठ सती चल रही है, साथ ही शनि मंगल केतु की दशाएं चल रही हो और ये ग्रह नीच भी हो, शनि मंगल केतु की दशाएं चल रही हो, साठ सती चल रही हो, तो पत्नी, माता, छोटा भाई के नाम पर आप व्यापार कर सकते हैं। यदि आपके नाम पे आपकी गृह स्थिति व्यापार के लिए उत्तम ना चल रही हो, तो आप जो है अपने जीवन साथी के नाम पर या छोटे भाई के नाम पर व्यापार के योग बने वो कर सकते हैं। और ये समय है 1 से लेकर 21 जनवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तथा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। व्यापारिक साझेदारी के योग इसमें भाई, पत्नी के अतिरिक्त और लोगों से भी इस समय में व्यापारिक साझेदार के योग बने हुए। अगला विषय है विवाह, रिश्ते और संबंध। 1 जनवरी से 7 फरवरी, 24 जून से 25 सितंबर के मध्य मांगलिक प्रभाव सिंह लग्न पर देखने में स्पष्ट रूप से इसका असर नजर आएगा। इस लग्न पर 1 जनवरी से 7 फरवरी, 24 जून से 25 सितंबर के मध्य मांगलिक प्रभाव नजर आएगा, अतः इस समय में विवाह हेतु कुंडली मिलान कर ही रिश्ता निश्चित करें। मांगलिक जातक विशेष रूप से संयम रखें, झगड़े मुकदमे हिंसा से मांगलिक प्रभाव विशेषकर 9 अगस्त से 25 अगस्त सितंबर के बीच में तेजी से हिंसक रूप धारण कर सकता है। प्रेम संबंधों में उपरोक्त समय में तथा 19 जुलाई से 29 सितंबर में जब शुक्र रस चल रहा होगा, तो विच्छेद के योग बन जाते हैं। इसी समय में पिता तथा अनुज से जुड़े जो संबंध हैं वो खराब होते हैं तथा 16 सितंबर से 23 अक्टूबर के मध्य माता पिता दोनों से, विशेषकर माता से संबंध खराब हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, नौकरी में भी इस समय में रिश्ते खराब हो सकते हैं। यानी 16 सितंबर से 23 अक्टूबर के मध्य ये रिश्ते खराब हो सकते हैं। 11 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर के मध्य माता, मामा, ननिहाल से संबंधों पर कुप्रभाव पड़ता है। इसी समय में फौज, पुलिस, सुरक्षा, खेलों के क्षेत्र में यदि आप हैं, तो अपने सहयोगियों के साथ या उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब होने का योग बना हुआ है। उपाय क्या करें? उपाय में पूरे वर्ष
अथवा जीवन भर माणिक या पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप मांगलिक जातक हैं और मांगलिक प्रभावित है तो मंगल शनि और साथ में मंगल शनि केतु या नीच शुक्र की दशा या सारसती चल रही हो ऐसे व्यक्ति हो तो पीला पुखराज तथा मूंगा एवं पन्ना धारण करें। पीला पुखराज 5 से 5.25 रत्ती इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड में थर्सडे को गोल्ड में, मूंगा 6 रत्ती का रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में मंगलवार को तथा पन्ना स्मॉल फिंगर में राइट हैंड में 6 रत्ती का बुधवार को धारण करें। शनि और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप और दुर्गा हनुमान चालीसा मंत्रों का अथवा 40 का जाप करें या हनुमान मंत्रों का जाप करें। शनि मंत्र इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमः अथवा ओम शम शनिश्चराय नमः। शुक्र मंत्र इस प्रकार है, ओम शुम शुक्राय नमः अथवा ओम द्रा द्री द्रौ सा शुक्राय नमः। दुर्गा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अच्छा ओम दुम दुर्गाय नमः। हनुमान चालीसा इसका जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदनान मृत्यु मुक्षे मामृतात् अथवा शिव मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भक्ते रुद्राय। हर मंत्र का कम से 5 बाला जाप करें। शिव को जलाभिषेक अथवा सूर्य को अर्ध्य अर्पित करते रहे सिंगल लगन के लोग जो है पूरे वर्ष। इसके अतिरिक्त जो थोड़े इच्छुक हैं आदित्य हृदय स्त्रोत्र अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप रोज कर सकते हैं। दोनों ही सूर्य के सिंह लग्न के सूर्य को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है, विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यदि दशाएं खराब हो, सारसती इत्यादि चल रही हो तो विशेष रूप से नशे और मांसाहार से परहेज आवश्यक होगा। यदि शनि राहु नीच गुरु शुक्र मंगल की दशाएँ चल रही हों तो विशेष रूप से ये आपको करना लाभकारी रहेगा। सिंह लगन के और कर्क लगन के लोग जो है कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन मानसिक शांति हेतु। धन्यवाद, नमस्कार।